छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उर्स पार्क जो दुर्ग शहर में एकता उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका आगाज हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की दरगाह में परचम कुशाई और शाही संदल निकाल कर किया गया, जिसमें सालाना उर्स पार्क कमेटी द्वारा संदल का नगर भ्रमण कर बाबा के आस्थाने पर चादर पोशी की गई। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 71वें उर्स पार्क के मौके पर कमेटी द्वारा बाबा के आस्थाने पर परचम कुशाई की रस्म अदा किए जाने के साथ ही दुर्ग शहर में शाही संदल निकाला गया। बुधवार की रात खादिमे आस्थाने के निवास से शाही संदल निकाला गया, जिसने पूरे शहर का भ्रमण कर दरगाह तक पहुंचा, जहां कमेटी द्वारा बाबा के आस्थाने पर देश दुनिया में शांति और भाईचारे की दुआओं के साथ चादर पोशी की गई। कौमी एकता के रूप में मनाए जाने वाले इस उर्स पार्क में छत्तीसगढ़ से ही नहीं दूर दराज के लोग अपनी आस्था के साथ बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी पेश कर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। वहीं बाबा के इस दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारे की मिसाल देखने को भी मिलती है। दुर्ग शहर के इस प्रसिद्ध हजरत बाबा सैयद काबुली सरकार के चाहने वालों की भीड़ देखते ही बनती है, जहां हर मजहब के लोग बड़ी आस्था के साथ इस 4 दिवसीय उर्स पार्क में शामिल होकर अपनी मुराद पूरी करते हैं। दुर्ग के पुराने बस स्टैंड स्थित काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 71वें उर्स पार्क के मुबारक अवसर पर 3 दिवसीय शानदार कव्वाली का जंगी मुकाबले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के मशहूर फनकार कव्वाल शामिल होंगे। सालाना उर्स पार्क कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देसलहरा, सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी, दरगाह कमेटी और उर्स कमेटी द्वारा यहाँ पहुँचने वाले बाबा के चाहने वालों की सुविधा को ध्यान में रख सारे इंतजाम कर रहे हैं। इस संबंध में बाबा के चाहने वाले कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। ये वली जो है अल्लाह के दोस्त है। आज हम जो है तमाम लोग जारीन यहाँ पे इकट्ठा हुए सरकार सैयदना अब्दुल रहमान शाह काबुली के उर्स मुबारक के मौके पे। ये 71वां साल सरकार काबुली सरकार का शानदार तरीके से उर्स मनाया जा रहा, और इस उर्स में तमाम मजहब के लोग, तमाम जाति के लोग शरीक होते हैं, और सरकार अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने में आके अपने दामनों को मुरादों से भर के जाते हैं, और जो भी उनको मुसीबत परेशानियां बीमारियां रहती हैं वो बाबा जान से बोल के तमाम लोग शफा पाते हैं। और ये कौमी एकता का ये दरबार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला दरबार अब्दुल रहमान शाह काबुली का। यहाँ पे तमाम मजहब के लोग, तमाम मशरक के लोग शिरकत फरमाते हैं। कमेटी के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का 71वां उर्स मुबारक बड़े शानों को शौकत के साथ और बहुत ही ताजीम के साथ मनाया जा रहा है। ये शहर की हमारी सालीन परंपरा है कि सरकार का उर्स के मुबारक का आगाज कल हुआ परचम कुशाई से। आज शाही संदल है जो शहर का कस करते हुए आसानी आलिया आया है। आपने देखा होगा कि पूरे जुलूस में यानी घोड़े नाच रहे हैं, नातों कलाम पढ़ा जा रहा है, शहर के लोग बीच बीच में उसका स्वागत कर रहे हैं, और आज खुशकिस्मती और यह है कि लोगों की काफ़ी
तवज्जो शाही संदल में रही, हमारे नगर निगम के महापौर और हमारे पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आर एन वर्मा जी, जनाब अल्ताफ भाई अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड और सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। यह हमारी कौमी एकजहता का बेमिसाल संगम है दुर्ग, और यही कारण है कि यहाँ के उर्स में पूरे शहर का जनता का सहयोग प्राप्त होता है। 25, 26, 27 को कव्वाली का जंगी मुकाबला है और 28 तारीख को कुल की फातिहा होगी। मैं तमाम जायरीनों से गुजारिश करूंगा कि तन मन धन से तामीर में सहयोग करें, उर्स पाक के कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान दें। रहो हरियाणा उर्स पाक कमेटी ऐसी जगह पहुंचाया है कि जहां आप हमारी बात रख वचनदारी के साथ, न जमीन से मिलती है न आसमान से मिलती है, न जमीन से मिलती है न आसमान से मिलती है, धर्म की भीख तो तेरे आस्था से मिलती है। इसी शेर के साथ मैं जनाब अल्ताफ भाई से लड़ी शुरू कर रखना हिंदी है भाषा ने हिंदुस्तान वाला आज के वचन सिंचाई कार्यक्रम में उपस्थित हम हमारे बड़े भाई और सालाना उर्स कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश दशहरा जी, दरगाह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जनाब रज्जब भाई, कबूल बाबा जी, मुन्ना भाई, हमारे भाई हैदर भाई, हमारे मासूम शायर शरद जी, अफसर रफीक भाई पासी, ऐसी जगह है गर्म से कि दूर दूर से लोगों का इंतजार रहता है कि दुर्ग में उर्स कब हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये उर्स का नाम है एकता उत्सव। अभी राव भाई ने कहा गुलदस्ता, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ सूफी संतों ने निवास किया है और उनका कर्म है कि हम लोग खुशहाल है। मैं बाबा अब्दुल रहमान साहब आपकी इस दर का गुण ने मुझे बहुत कुछ किया है कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज यहाँ पर परचम कुशाई के अवसर पर मुझे बुलाया गया है। मैं आप सब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी रऊफ भाई ने बताया, मैं मदरसा बोर्ड की ओर से एकता उत्सव समिति के अध्यक्ष हमारे प्रकाश भाई का जरूर हम मदरसा बोर्ड की ओर सम्मान करेंगे, इस बात की घोषणा करता हूँ हमारे सालाना कार्यक्रम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।